पूर्व केंद्रीय मंत्री असम प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह आज अलवर पहुंचे। इस दौरान सिंह के निवास पर पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं से ही श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने जितेंद्र सिंह का स्वागत किया। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने पहुंचकर जितेंद्र सिंह के समक्ष अपनी समस्याएं भी रखी। जितेंद्र सिंह द्वारा अपने असम दौरे के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पिछले दिनों केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि बिलों के विरोध में प्रदर्शन किया, जिस पर जितेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया था। सिंह ने केंद्र की भाजपा सरकार को बड़े उद्योगपतियों की हितैषी सरकार बताया। सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को पूंजीपतियों के हाथों में बेचना चाहती है। देखिए, असम का पूरा देश और दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। असम की चाय, असम का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है बहुत ही मजबूत है। वहाँ बहुत बड़ा एक आक्रोश हो चुका है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने तीन चार बड़ी बड़ी कंपनी, अंबानी, अडानी और ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, ये अपने तीन चार दोस्तों को पूरा का पूरा ठेका देना चाहती है, बेचना चाहती है किसानों को इन कंपनियों के सामने। तो बहुत बड़ी नाराज़गी है और मैं धन्यवाद दूंगा हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को, जिनने एक बिल लेके आए हैं हमारे विधानसभा के अंदर, जिसमें भारत सरकार का जो विधेयक पास हुआ है उसको नहीं मानने के लिए और एक हमारी जो पुरानी व्यवस्था चल रही है उसको चलाने के लिए इसी तरह की मांग असम की जनता भी कर रही है। उन्होंने कहा कि असम भी कृषि प्रधान प्रदेश है, वहां भी कृषि बिलों का जमकर विरोध हो रहा है। आने वाले दिनों में जनता ही भाजपा को जवाब देगी। देखिए, हमने असम की हमने दौरा शुरू किया था डिब्रूगढ़ से 1 तारीख को और पूरे और डिब्रूगढ़ से होते हुए बिल्कुल एक तरह से जो हमारा नॉर्थ असम से और हम नीचे लोअर असम तक आए, एक बार पूरी जनता के अंदर एक मन बन चुका है। आमतौर से क्या होता है कि नेता इंतज़ार करते हैं चुनाव का, लेकिन असम में मैंने देखा कि जनता इंतज़ार कर रही है चुनाव का कि कब चुनाव आए और कब इस सरकार को हटाएं। इस तरह का एक माहौल बन चुका है। सरकार एक माफिया के रूप में काम कर रही है। अगर असम के अंदर एक बॉल पॉइंट पेन जाता है या एक कॉपी जाती है या एक कोई भी सामान जाता है, एक टीवी जाता है या एक फ्रिज जाता है या कोई भी सामान जाता है, साइकिल जाती है, तो उसके ऊपर एक माफिया टैक्स लगा रखा है सरकार ने। तो वह माफिया के रूप में सरकार काम कर रही है और हमारा जो भाईचारा है उसको ख़राब करने के लिए, एक पोलराइज चुनाव को करने के लिए उनका बस यही एक एजेंडा रहता है। 4.5 साल में जो सरकार रही, सब एजेंडा पर फेल हो चुकी है। सारे झूठे वादे कर सरकार आई थी और अब जनता ने वो उनको देख लिया है।